हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी विद मम्मी। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक भरता रेसिपी जो कि बेसिकली बैंगन से ही बनेगा लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो मेरा ये रेसिपी आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ये मैं भरता रेसिपी कैसे बनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने एक बैंगन लिया है और बैंगन के चारों ओर छुरी के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे ताकि जब हम उसको आँच में सेकेंगे तो एकदम अंदर तक पक जाए। और थोड़ा सा तेल चारों ओर मैं ब्रश कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्रश कर लिया है मैंने तो अभी गैस को ऑन कर लेंगे। एक स्टैंड लगा देंगे और स्टैंड के ऊपर बैंगन को सेकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से बैंगन को सेकना शुरू किया है। अच्छी तरह से घुमा घुमा के बैंगन को सेकिए। ये देखिए अच्छी तरह से हो गया बैंगन को सेकना। अभी उसको उतार लेंगे गैस से। और इस भरते के लिए कुछ बेसिक सब्जियां चाहिए, जैसे ऑनियन मैंने चॉप्ड करके लिया है, दो हरी मिर्च, मिर्च आप हिसाब से लो, और थोड़ा सा कोरिएंडर। अभी बैंगन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और डंठल को काट देंगे और अच्छी तरह से बैंगन को फैला दे कि अंदर कुछ कीड़ा हो तो उसको साफ कर लीजिए। तो अभी जो सब्जियां मैंने काट के रखे थे उसको बैंगन के साथ ऐड कर लेंगे। और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से रफली मिक्स कर लीजिए। फाइन मिक्स नहीं करना, रफली मिक्स कीजिए। ये देखिए हो गया। अभी एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में एक चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे और जो बैंगन का मिक्स मैंने बनाया है उसको तेल में, जब तेल गर्म हो जाए तो तेल में छोड़ देंगे। और अभी स्वाद अनुसार नमक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हो गया है। अभी एक अंडा, कच्चा अंडा आप इस भरते में छोड़ दीजिए और अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसको मिक्स कर दीजिए ताकि अंडा अच्छे तरह से पक जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से एक अच्छा टेक्सचर बन जाए। ये देखिए मेरा अंडे वाला बैंगन का भरता एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।